बीवी के पास जाते ही फौरन झड़ जाते हैं, आपकी रुकावट नहीं बन रही है, एक मिनट दो मिनट ये बहुत होता है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाते। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और आज भी आपकी हालत यही है कि आप मेडिकल स्टोर से वियाग्रा, मैनफोर जैसी अंग्रेजी दवाइयों को खाकर अपना काम चला रहे हैं, तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने से आपकी जो टाइमिंग वाली शीघ्र पतन वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक होगी। दोस्तों, जब भी आपका वीर्य पतला हो जाता है तो आपके अंदर रुकावट नहीं बन पाती, इसका मतलब यह है कि जब भी आप संभोग करेंगे तो अपने वीर्य को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते, बल्कि वो जल्दी ही निकल जाता है। तो वीर्य के पतला होने की वजह से और हस्त मैथुन ज़्यादा करने के कारण आपके अंदर ये कमज़ोरी आ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही नुस्खा बताएंगे जो बिल्कुल रामबाण है और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन हेल्थ केयर चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें पहली चीज़ है सफ़ेद मूसली, ये आपको 50 ग्राम लेनी है। फिर है सालम पंजा, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। फिर है बहमन सुर्ख, ये आपको 25 ग्राम लेना है। फिर है बहमन सफ़ेद, ये भी आपको 25 ग्राम लेना है। फिर है छोटी इलायची, ये आपको 40 ग्राम लेनी है। फिर है जायफल, ये आपको 4 दाने लेने हैं जायफल के। फिर है अकरकराह, ये ईरानी अकरकराह आप ले लें। मार्केट के अंदर जाएंगे तो आप बोलें कि वाइट वाली ईरानी अकरकरा दीजिए, जो इंडियन अकरकरा आती है वो आप ना लें, ये आपको लेनी है 20 ग्राम। फिर आपको लेनी है मिश्री, ये धागे वाली मिश्री आप ले लें 250 ग्राम। अब ये सभी चीज़ें आप मार्केट से ले आएंगे तो फिर आप इनको पहले सुखा लें और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए धूप में, फिर आप इनका अलग अलग या तो किसी मिक्सर ग्राइंडर में या फिर इमाम दस्ते वगैरह से बिल्कुल बारीक कर लें इसको। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा और इसका सफूफ चूरन सा तैयार हो जाएगा तो आप इन सभी चीजों के चूर्ण को एक जगह मिक्स कर लें और किसी डिब्बी वगैरह के अंदर भरकर रख लें। अब आपको इसका इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। सुबह नाश्ता करने के बाद एक चम्मच आपको खानी है हल्के गर्म दूध के साथ, और ऐसे ही शाम को खाना खाने के बाद आपको एक चम्मच खानी है हल्के गर्म दूध के साथ। इस तरह से दोस्तों आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। इसका जब आप लगकर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके वीर्य को बनाएगा, बढ़ाएगा और उसको गाढ़ा करेगा, आपके अंदर रुकावट को बनाने का काम करेगा, आपकी वीर्य वाहिनी को मजबूत करेगा, जहाँ पर वीर्य जमा होता है, इकट्ठा होता है, आपके अंदर जोश और ताकत को बनाने का काम करेगा, आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाएगा, जोश को बढ़ाएगा, इच्छा को बढ़ाएगा, आपकी टाइमिंग को और स्टेमिना को बढ़ाने का काम करेगा। जहां आप सही से एक मिनट दो मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां आप बिस्तर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे, खुश कर पाएंगे। जब आप इसको लगकर खाएंगे ना तो फिर ये आपके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को पुरजोर करता है। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी, इस दवाई का इस्तेमाल करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।